बिहार में 16 से 31 अगस्त तक करेंगे मुखिया संघ राज्यव्यापी हड़ताल। पंचायत के सभी कार्यों का होगा बहिष्कार। ग्राम पंचायत के सभी अधिकारों में कटौती के खिलाफ होने जा रहा है महाहड़ताल। आगामी 29 अगस्त को सभी जिला मुख्यालय पर धरना के माध्यम से होगा विरोध प्रदर्शन। नीतीश कुमार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे बिहार के सभी मुखिया। क्या बिहार के सभी मुखिया की विभिन्न मांगों को पूरा करेगी नीतीश सरकार? बीते मंगलवार को सुपौल जिला अंतर्गत बसंतपुर प्रखंड के भगवानपुर पंचायत में मुखिया संघ द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुखिया संघ बसंतपुर समेत जिले के तमाम मुखिया और उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जानकारी देते हुए बसंतपुर मुखिया संघ अध्यक्ष प्रतिनिधि मौसम खेरवार ने बताया कि 16 से 31 अगस्त तक सभी जिले एवं पंचायत में मुखिया संघ द्वारा राज्यव्यापी हड़ताल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हम लोग विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल करने के लिए विवश हैं। हम लोगों की 19 सूत्री मांग है। ग्राम पंचायत को संविधान से मिले अधिकार और शक्ति को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ग्राम पंचायत की रक्षा के लिए पारित निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा अन्य चयनित योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही सभी मुखिया ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। योजनाओं की सीमित राशियों से कार्य पूरा नहीं हो पाता है और राशियों के लिए प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है, जिस कारण पंचायत की मूलभूत समस्या को दूर करने में हम लोग असमर्थ हो जाते हैं और ग्राम पंचायत की जनता में नाराजगी बनी रहती है। बैठक के दौरान सभी मुखिया ने 10,000 मासिक वेतन और अपनी सुरक्षा के लिए आर्म्स का लाइसेंस की मांग की। मुख्यमंत्री सोलर लाइट, नल जल योजना, मनरेगा योजना, कबीर अंत्येष्टि सहित विभिन्न मांगों को रखकर इसमें सरकार को जल्द सुधार करने की बातें कही। अब देखना होगा कि ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों की मांगे और हड़ताल को लेकर बिहार सरकार क्या सोचती है। देखिए, बिहार का मुखिया के साथ जो सरकार के द्वारा सरकार का जो रवैया है वो बहुत ज्यादा खराब है। जिले के पूरा बिहार का मुखिया संघ सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन से जा रहा है, जिसमें हम लोग 29 तारीख को जिला पदाधिकारी को लिखित देंगे और उसके बाद जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा बिहार सरकार को भेजा जाएगा। अगर बिहार सरकार मेरी मांग नहीं सुनती है उसके बाद हम लोग चक्काजाम आंदोलन करेंगे। हम लोगों का मुखिया का अधिकार के लिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जो मुखिया का अधिकार है वो अधिकार मिले, जो मुखिया का सही काम है वो काम मिले। अगर हम लोगों को अधिकार नहीं मिलेगा तो हम लोग 16 तारीख से 31 तारीख तक हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी तो सरकार का ईंट से ईंट बजा देंगे और आने वाला दिन लोकसभा चुनाव में दिखा देंगे कि मुखिया का क्या पावर होता है। हम लोग बहुत मजबूरी में हड़ताल पे जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे, क्योंकि हम लोग सामाजिक समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और इतना ज्यादा हम लोग को परेशान किया जा रहा है सरकार के हर चिट्ठी के द्वारा। कोई भी योजना हम लोग को आज जो चिट्ठी देता है 15 दिन बाद उसको बदल देता है। आप बताएं, ये एक लेटर आया है हमारे यहाँ पंचायती राज का, उसमें है क्या, ग्राम सेवक का आपको उपस्थिति आपको देना है 20 तारीख से लेकर 25 तारीख तक। यदि 25 तारीख तक आप नहीं देते हैं तो माना जाएगा कि ग्राम सेवक आपके यहाँ कार्यरत है। ये कौन सा लेटर है हमको समझाइए आप। सरकार हम लोग के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम तो समझते हैं यदि पंचायत में मुखिया पद का इलेक्शन ही नहीं हो तो बेहतर है। अभी कल से हम लोग का 31 तारीख तक हड़ताल है और हमको लग रहा है जो इससे ये आंधी बहरी जो सरकार हम लोग के पास ऊपर से लेकर नीचे तक बैठी हुई है, ये इससे कुछ होनी जानी है नहीं। हमको लगता है राष्ट्रव्यापी हड़ताल होगा और ऐसा हड़ताल होगा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों देखेंगे जो मुखिया क्या कर सकता है। इसलिए आज मुखिया संघ का अध्यक्ष का बैठक हुई है कि मुखिया का जो कानून व्यवस्था है, जो सरकार का कानून व्यवस्था है, जो मुखिया का वित्तीय वर्ष पावर मिलता है, जो ग्राम एक ग्राम विधान का पावर है, वह मुखिया के कानून पावर का हनन किया जा रहा है सरकार द्वारा। चूंकि इससे पहले जो मुखिया द्वारा आपको पंचायत सरकार भवन कराया जा रहा था, उसके बाद मनरेगा का जो है फुल्ली पेमेंट मुखिया ही करा रहे थे, उसके बाद जो आपको मृत्यु प्रमाण पत्र था ये सब मुखिया बना रहे थे अपने स्तर से पंचायत सचिव द्वारा जो मुखिया के माध्यम से कोई भी वेतन मान को उसका जो है कटौती किया जा रहा था, वो भी मुखिया के अंदर में था। जितना व्यवस्था पंचायती राज में दिया गया था पूर्व में, वह सारा मुखिया का हनन किया जा रहा है। मुखिया के जितना भी पावर है सीज किया जा रहा है।